दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो झाड़ू वाला छा गया, वो कह रहे मोदी आ रहे हैं। मोदी अभी गाली बक दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब आ रहा तू भाई, ध्यान रख लेना। हाँ मगर केजरीवाल ने इतना किया तो कोई कर नहीं सकता। जो कांग्रेस ने किया वो केजरीवाल ने किया, और जो मोदी ने किया, मोदी ने क्या कुछ नहीं किया। बताओ तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कह रहे मंगल सूत्र छीन लेंगे आप लोग। कौन छीन लिया, किसने छीन लिया? हमारे में डम होएगी तो छीन के दिखा देना। शाबाश बेटा, छीना जब आने दे, आओ ना छतरी के नीचे, इनके लटू रही वहीं है कमजोर भाई का तो छीन के ले आएगा, समझ रहे हो? भक्तों का क्या हाल है, ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पांव रख दिया। पैं, पैं, पैं। अरे यार भैया सुन तो लो, सुन तो लो, अभी थोड़ा और पे करना पड़ेगा। पप्पू, पप्पू तो बहुत छोटी मतलब बात है, उसको तो गधा निकम्मा जो बोलो कम है। अभी बता था भाई, गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोलने, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेकू की बात बताऊंगा तुम्हें। किसको कह रहे हैं गप्पू, किसको कह रहे हैं गप्पू? कौन है गप्पे मारने वाला, कौन है फेंकने वाला, कौन है? स्टेडियम में, स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी लंबी फेंकते, ठीक है? जिसको 600 करोड़ भारतीय ने जिताया वो बेकू है, ठीक है? और पप्पू पता है, पप्पू, पप्पू जान दो कौन है? अमित शाह का बेटा, देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं 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 करके वो होता पप्पू। चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसकी उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन। बताया बेकार, मोदी ने उसी में कैसे कर दिया चमत्कार। आप सोचिए बॉस, क्या इस देश में एक रेलवे स्टेशन ये लोग नहीं बना के दे पाए इतने साल। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो पूरा हिंदुस्तान बैलगाड़ी में घूम रहा था। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। लेकिन एक सेकेंड, गुजरात का आदमी कह रहा है कि मोदी जी विकास कीजिएगा, फैक्ट्री रोजगार दीजिएगा तो आपको वोट देंगे। बिहार का आदमी कह रहा है मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज भीख में दे रहे हैं, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट देंगे। यही हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जो छीनी जा सकती। यही हो रहा है, दूसरे देश की वॉर रुकवा ली, अपने डिफॉल्टर भी पकड़े जा रहे हैं। यही हो रहा है, जनता के मुद्दों को इग्नोर करके जिस कॉन्फिडेंस से ये आदमी 400 पार बोल रहा है, इन्हें यकीन हो गया है कि कोई इनसे सवाल करेगा ही नहीं, इनसे सवाल होगा ही नहीं, इनसे सवाल पूछेगा ही नहीं, ये जनता को बेवकूफ समझते। यही हो रहा है, वॉर रुकवा दी पापा, चीन को व्यव व्यव करवा दिया, विश्व गुरु बना दिया, सुपर पावर बना दिया, और जीडीपी ने आसमान पाड़ दिया, तो ये आदमी वोट क्यों नफरत पे मांग रहा है? यही हो रहा है, इतनी शर्म की बात है कि इनके 10 साल की सरकार के बाद भी जब तुम लोग सोचते हो कि शायद ये आदमी डेवलपमेंट पे बात करेगा तो ये कहता है कि ऑपोजिशन मटन खा रहा है। यही हो रहा है, जब तुम सोचते हो कि शायद ये महंगाई के बारे में बात करेगा तब ये तुम्हें मंगलसूत्र का डर दिखा रहा है। यही हो रहा है, जब तुम सोचते हो कि यार अब ये भूखमरी और गरीबी में तो बात कर ही सकता है तो ये वही किसी भी हिंदू मुसलमान वाली स्पीच है तुम्हारे को लाके दे देता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है, कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी। ये कहावत आज सच हो चुकी है, किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया, केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ परसेंट कोयला इसी सेठ से खरीदे और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने, कोई सेठ सरकारी बैंकों के रुपए लेकर विदेश भाग गया तो कुछ के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए, मजे ही मजे। और फिर टैक्स वसूली की सरकार ने जनता से, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर खाना सब कुछ महंगा हो गया, 1% अमीर मजे लूट रहे हैं और 99% लोग घाट। मेरी नजर में तो मोदी जी को जीतना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? सब कुछ बेच दिया, देश भी बेच देगा। मोदी जी को इस बार हारना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी हारते हैं तो सबसे बड़ा हार का कारण क्या? बेरोजगारी, महंगाई। अभी प्रधानमंत्री तो संस्था को बंद कर रहे हैं। मोदी जी को क्या कहे, बस सेंट्रल में राहुल होना चाहिए बस। 400 पार का नारा नहीं है, अभी 120 सीट के अंदर में बीजेपी लिपटा। 400 पार का नारा बंद हो गया, बंद हो गया।
बताइए डेवलपमेंट बिहार का कब कीजिएगा? 17 सालों तक आप डबल इंजन की सरकार रही है बिहार में, आज भी आपका गवर्नमेंट है, तो आपने विकास क्या किया? विकास पे तो आप फोकस कर नहीं रहे, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए आप बात एक विशेष समुदाय विशेष बात ली आते हैं और आरक्षण पर ली आते हैं, तो आप आरक्षण के मामले को छेड़कर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहें तो आपको इस देश की जनता और बिहार की जनता शिक्षा पर सवाल करेगा, बेरोजगारी पर सवाल करेगा, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल करेगा, तमाम हमारे बच्चे का भविष्य कैसे हो उस पर लोग आपसे सवाल करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को अब पटना में रोड शो करना पड़ रहा है? अरे मोदी जी जो पटना में कर रहे हैं ना मैडम, वो आप पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र आता है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र आता है, दोनों क्षेत्र में इनके एमपी सिर्फ ठंडा घर में रहकर अपना 5 साल कार्यकाल बिताए मगर जनता के बीच नहीं है और न क्षेत्र की जनता की समस्या को सदन में उठाए हैं, तो ये दोनों का हार कगार पर है। आप बेरोजगारी बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा बात नहीं करते हैं, पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कितना है, क्या ये पॉसिबल है इतने सारे लोगों को रोजगार देना? आप महंगाई बात नहीं करते हैं, आप बोलेंगे हम विदेश से काला धन लाएंगे, काला धन पर बात नहीं करते हैं। ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो किताबों पर ही GST लगा देता है, एजुकेशन पर ही 18% टैक्स लगा दिया है, इससे छात्रों को क्या होगा भविष्य?